महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती है। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत सत्य ही घटना है। इसका पहला सबूत है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में ये पता चलता है कि ये 2800 ईस्वी पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हैं। महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में यहाँ के 16 सिंहवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे और इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। महाभारत में अपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा तो भगवान श्री राम ने ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी, कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में ये सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत से ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने जे रोबोट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। महाभारत का अगला प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जहाँ के राजा श्री कृष्ण थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है। ये नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके सबूतों से ये पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। साथियों, आपने महाभारत में लाक्षाग्रह नाम तो सुना ही होगा। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षाग्रह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर ये पता चलता था कि कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तब ये बात उठने लगी कि कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। वही महाभारत का अलग प्रमाण है महारथी कर्ण का अंगराज। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान वही है जहां कल था। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। इनके अलावा भगवद गीता सार, अश्वत्थामा आदि कई प्रमाण हैं जो महाभारत को सत्य घटना बताते हैं। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और महाभारत के बारे में कमेंट में अपनी सलाह जरूर दीजिएगा।